फिलहाल अभी आपका भाई है मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, मेरे पीछे देख सकते हैं ये है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, और ये मेरे बगल में देख सकते हैं ये रहा, ये कहाँ गया ये रहा ताज होटल। अभी हम ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने हैं और आज है 31st की रात, सॉरी अभी तो दिन है बट रात आने वाली है। हम लोग आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, घूमने के लिए, बहुत ही मस्त जगह है और देख सकते हैं मेरे पीछे कितना क्राउड है यार। और ये रहा समुद्र, लेट्स सी, अब चलते हैं आपको समुद्र दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हेलो गाइस, ये रात पीछे समुद्र, तो रूपक से पूछते हैं रूपक कैसा लगा फर्स्ट टाइम समुद्र देख के? बहुत अच्छा लगा और यहाँ देखो कितना क्राउड है, और ये ताज होटल देखा मस्त है ना, और मस्त लोकेशन है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप लोग को और भी व्यू दिखाते हैं और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा व्यू आप लोग को दिखाते हैं, इन्जॉय कीजिए। फाइनली मैंने सनग्लास पहन लिया बिकॉज यहाँ पे यार धूप बहुत है और धूप आ रही है और डायरेक्ट आँख पे पड़ रही है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने ये को लेके आया था। तो यहाँ पे अभी ये पहन लिया, कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके बताना, अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है तो यार कमेंट करके बताओ। और ये देखो, और ये मेरे पीछे जो लाइन दिख रहा है ना वो समुद्र में बोट राइडिंग के लिए लाइन लगी हुई है, बहुत ही लंबी लाइन है, मैंने सोचा क्यों जाऊँ यार इतना लंबा, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, तो आज प्लान कैंसिल करते हैं, फिर कभी आएंगे ना तो फिर समुद्र में बोट की सवारी करेंगे। तो फिलहाल तो अभी यहाँ का जो व्यू है वो देखते हैं और यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो डीजे फ्लोर भी लगा है, शायद तुमको लग रहा है कि 31st की आज रात है ना, तो रात में शायद यहाँ पे कुछ होगा, क्या हंगामा होगा, तो वैसे तो उम्मीद नहीं है कि रात तक यहाँ पे रुकेंगे, देखते हैं एक डेढ़ घंटा के अंदर में हम लोग यहाँ से तो निकल जाएंगे, बिकॉज हम लोग को दूर जाना है, नवी मुंबई जाना है और यहाँ से ऑलमोस्ट एक घंटा से ऊपर लगता है वहाँ पहुँचने में, तो शायद हम लोग रुक पाएंगे। तो लेट्स सी, चलिए कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, कुछ और जगह जाते हैं और कुछ करते हैं। तो इंडिया फाइनली आज हम यहाँ पे विजिट कर ही गए हैं, वो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और क्या कहें यार, यहाँ का जो माहौल है ना, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तभी आप फील कर सकते हैं, यहाँ का जो सिचुएशन है उसको फील करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। एकदम यार आओ यहाँ पे एंजॉय करो, फिलहाल अभी हम लोग एंजॉय करते हैं। गाइस पीछे देख लो क्या है, ताज होटल, तो जिसे हम लोगों ने बहुत फिल्मों में देखा था, वो फाइनली आज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम मुंबई, अभी तक के लाइफ में फर्स्ट टाइम ही हम लोग मुंबई आए हैं और फाइनली अभी हम लोग ताज होटल के नीचे हैं, तो जिसे फिल्मों में देखे हैं आज हकीकत में उसे देख रहे हैं, तो कुछ अनुभव कुछ और ही है। तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं जो जो नहीं आए हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, तो प्लीज़ विजिट करो अच्छा लगेगा। और ये देखो ताज होटल, चलिए और कुछ एक्सप्लोर करते गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया देख के और अभी जा रहे हैं घर पे,
तो देख लो, ये रहा पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया, और यहाँ पे ट्रैफिक देखो, ये कितना ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और फाइनली वैसे तो आज 31st डे है, यानी साल का अंतिम दिन है, तो भीड़ होना तो वैसे भी है, और मुंबई में तो वैसे भी भीड़ रहता ही है। सो चलिए अब रूम पे चल के आपसे बात करते हैं। ये देखो ट्रैफिक का और एक बेहतरीन नज़ारा देख रहे हो, चारों तरफ से ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और अभी हम लोग सिग्नल पे रुके हुए हैं, बस सिग्नल होगा फिर यहाँ से एग्जिट करेंगे। फाइनली अभी हम लोग रूम पे आ चुके हैं, तो देख ये देख सकते हैं यहाँ पे लिफ्ट है, तो अभी लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अब तो रात हो जाएगी, तो रात में तो नहीं बोल सकते, तो अभी ही बोल देते हैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए मिलते हैं अगले साल, तब तक ये देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मनीष। ओके, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।